बिजली बिल बकाया होने के विवाद के बाद बिजली कार्यालय में तोड़फोड़ के मामले में भाजपा मंडल अध्यक्ष पर केस दर्ज किया गया है। बिजली कार्यालय में तोड़फोड़ करने के मामले में गुरुवार को भाजपा मंडल अध्यक्ष के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। जानकारी के मुताबिक तोड़फोड़ की घटना बुधवार रात 10 बजे की है। तराना नगर के संदीप प्रजापति का बिजली विभाग द्वारा बिल बकाया होने पर कनेक्शन काट दिया था। कनेक्शन दोबारा शुरू नहीं होने पर प्रजापति बिजली विभाग बात करने के लिए गए। यहां भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रवीण पालोत्रा सहित 8-10 लोग पहुंचे। इसी दौरान बिल बकाया की बात को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान बिजली विभाग की गाड़ियों व खिड़कियों के कांच फोड़ दिए गए एवं अन्य शासकीय संपत्ति का नुकसान हुआ। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मामले में टीआई संजय मंडलोई ने बताया, अध्यक्ष पालोत्रा एवं प्रजापति पर 353, 427, 294, 506, 3/4 में प्रकरण दर्ज किया गया है। दूसरी ओर बिजली कंपनी के अधिकारी मामले में बात करने से बचते दिखाई दिए। कनिष्ठ यंत्री संदीप उपाध्याय ने बताया कि मामले की पूरी जानकारी डीई जुगल किशोर चौधरी के पास है। जब घटनाक्रम चौधरी से पूछा तो उन्होंने बताया कि मामले की पूरी जानकारी नगर के कनिष्ठ यंत्री उपाध्याय के पास है। दोनों ही मामले में कुछ नहीं बोल रहे हैं। इधर इस मामले में कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि मामला नॉलेज में है, पुलिस केस में कार्रवाई करेगी। देखिए, कल रात में ये घटना हुई थी, सुबह मुझे इसकी जानकारी मिली और इसमें जो दो नाम हैं वो भी हमारे पास आए थे। दोनों के खिलाफ हम लोगों ने जो तोड़फोड़ की है या जो सरकारी कार्य में बाधा है, सभी विभिन्न जो कड़ी धाराएं हैं उनके तहत प्रकरण दर्ज भी कराया है। एक लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, दूसरे की गिरफ्तारी भी बहुत जल्दी हो जाएगी। इस प्रकार के कोई भी अगर कृत्य करेगा तो कानून सबके लिए समान है, सबके